हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक और स्पेशल टाइप के डाटा स्ट्रक्चर की, जिसको कहते हैं ट्री। तो देखिए, ट्री में क्या होता है, एक्चुअली जो डेटा जनरली यूज होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें आपस में हायरार्किकल रिलेशनशिप होता है। तो वो डाटा स्ट्रक्चर जो इस रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करता है, उस डाटा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रूटेड ट्री ग्राफ या सिंपली ए ट्री। मीन्स दैट डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्री, और कायदे से ये होता है रूटेड ट्री ग्राफ। इसमें एक रूट होता है, फिर उसकी ब्रांचें होती हैं, लेकिन इसको नॉर्मल और शॉर्ट उसमें हम केवल ट्री बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ट्री, जब ट्री के फॉर्म में हम डेटास को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उनमें आपस में जो हायरार्किकल रिलेशनशिप होती है वो शो होती है। ठीक है, अब इसमें अभी हम क्या करते हैं, आगे तो ट्री और डिटेल में, ट्री भी, लिंक्ड लिस्ट भी और एरे भी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। अभी आज इसका एक हम आपको बेसिक आइडिया देते हैं कि ट्री क्या होता है। तो इसको बेसिक आइडिया के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और उससे हम आपको समझाते हैं कि ट्री में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय का पर्सनल रिकॉर्ड है और उसमें डिफरेंट डेटा आइटम्स हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई से हमने कहा, फॉर एग्जाम्पल किसी भी एम्प्लॉय का, कोई एम्प्लॉय का एक पर्सनल रिकॉर्ड है और उसके अंदर हमने क्या क्या शो किया हुआ है। उसका मान लीजिए हमने आईडी नंबर दिया लिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद उसका नेम है, एड्रेस है और एज है, सैलरी है, और मान लीजिए एक आध और सेट नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स है कि उसके ऊपर डिपेंडेंट कितने लोग हैं, फैमिली मेंबर है। ठीक, तो किसी एम्प्लॉय के लिए हमने एक रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है अपने फाइल में, उसमें उसका आईडी नंबर, नेम, एड्रेस, एज, सैलरी और नंबर ऑफ डिपेंडेंट, उसकी कितने फैमिली मेंबर हैं उसके फैमिली में। अब इसमें क्या होगा कि जब इसको हम ट्री स्ट्रक्चर से डिफाइन करेंगे या हायरार्किकल स्ट्रक्चर से डिफाइन करेंगे, तो इसको क्या होगा कि देखिए, ट्री की फॉर्म में हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि सपोज कीजिए हमने ये शो किया कि ये एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो मान लीजिए एक फील्ड 1 2 से 3 4 5 और 6, ये 6 फील्ड हम दिखा रहे हैं। तो ये है पहला हमारा क्या, आईडी नंबर। उसके बाद हमने कहा कि ये हो गया नेम, फिर है एड्रेस, ये हो गया एड्रेस, ये है एज, फिर हमने कहा सैलरी, और उसके बाद है नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स या डिपेंडेंट्स, मतलब उसके फैमिली में कितने लोग डिपेंडेंट है उसके ऊपर। ठीक, अब इसमें फर्दर क्या हो सकता है कि देखिए, नेम भी फर्दर सब ब्रांचेस में डिवाइड हो सकता है कि नेम में आपका लास्ट नेम आ गया, फर्स्ट नेम आ गया और मिडिल नेम आ गया। तो हमने कहा लास्ट, फिर हमने लिख दिया ये फर्स्ट, फिर हमने लिख दिया मिडिल। ठीक, ऐसे ही एड्रेस में, तो एड्रेस फील्ड भी फर्दर डिवाइड हो सकती है, इसमें एड्रेस आ गया आपका एरिया, और एरिया भी फर्दर डिवाइड हो सकता है किसमें, क्योंकि किसी का एड्रेस एक शब्द का या एक लाइन का तो होगा नहीं, तो एरिया, एरिया के बाद हमने लिख दिया सिटी, फिर स्टेट, और फिर हमने कहा उसका पोस्टल कोड, जिप कोड। ठीक है, तो इस तरह से जब आप किसी भी रिकॉर्ड को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर शो कर रहा है, और इसी को ट्री स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका हायरार्किकल स्ट्रक्चर। अब इसी को अगर आप ट्री स्ट्रक्चर की फॉर्म में सेव करेंगे, अनदर वे ऑफ पिक्चरिंग सच ए ट्री स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ लेवल, तो ये तो हो गया क्या, ये हो गया ट्री स्ट्रक्चर ऑफ, ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉय रिकॉर्ड, एम्प्लॉय रिकॉर्ड। ठीक, अब इसी को अगर हम लेवल स्ट्रक्चर में शो करेंगे, इन टर्म्स ऑफ लेवल, तो इन टर्म्स ऑफ लेवल आप इसको कैसे शो कर सकते हैं, से लेवल स्ट्रक्चर कह लीजिए, या इन
टर्म्स ऑफ लेवल्स। इसमें हम इसको कैसे शो करेंगे, देखिए हम ऐसे शो करेंगे, मान लीजिए हमने पहला लेवल दिया तो हमने यहाँ पे लिख दिया एम्प्लॉय, ठीक। अब एम्प्लॉय के अंदर जो पांच छह फील्ड्स थी वो हम लिखे, तो हमने उसको सेकंड लेवल दिया 02, हमने लिखा आईडी नंबर, ठीक है। फिर इसी लेवल पे क्या है, नेम है, तो हमने लिखा नेम। अब नेम के अंदर भी फर्दर सब लेवल है, तो उसको हमने 03 दिया, तो ये आपका फर्स्ट नेम हो गया, ठीक है। बल्कि फर्स्ट क्या, पहले हम लोगों ने क्या किया था, पहले शॉर्ट था, है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं सबसे पहले सर नेम, ये लास्ट नेम आ गया, तो ये हमने लिखा लास्ट। उसके बाद इसी लेवल पे ये हो गया फर्स्ट नेम, फिर इसी लेवल पे ये हो गया हमारा मिडिल नेम, ठीक। फिर उसके बाद नेम के बाद क्या था, 02 लेवल पे एड्रेस था, तो इसको हमने लिखा एड्रेस। अब एड्रेस को फर्दर डिवाइड किया था किसमें, स्ट्रीट में और एरिया में। अच्छा, तो हमने ये वापस हमको इस पे ट्री स्ट्रक्चर पे आइए, यहाँ पे हमने क्या किया था, एड्रेस को डिवाइड किया था एरिया में। मान लीजिए एड्रेस डिवाइड है इस, यहाँ पे हमने लिखा स्ट्रीट और एरिया, और एरिया फर्दर डिवाइडेड है। तो अब जब यहाँ पे आप एड्रेस, तो 02 लेवल पे तो एड्रेस आ गया, ये डिवाइड किस में है, तो हमने 03 लेवल पे लिखा क्या, स्ट्रीट, और 03 लेवल पे ही आ जाएगा आपका एरिया। अब एरिया फर्दर डिवाइडेड है तो वो हो जाएगा 04 लेवल, कौन सा, सिटी हो गया, और क्या था, सिटी के बाद स्टेट था और जिप कोड था, ठीक। अच्छा, ये एड्रेस पूरा हो गया। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद एज था, तो 02 पे हमने लिख दिया एज। फिर इसी लेवल पे था सैलरी, तो हमने लिख दिया सैलरी, और इसी लेवल पे था क्या, डिपेंडेंट्स, तो ये हमने लिख दिया डिपेंडेंट्स। तो ये हो गया लेवल स्ट्रक्चर उसी डाटा स्ट्रक्चर का, जिसको हमने इस, ये पिछले स्लाइड में जाइए, ये जो हमने इसको ट्री फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, इसी को अगर लेवल स्ट्रक्चर आप लिखेंगे तो आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब दोबारा से ट्री स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए मान लीजिए एक एग्जांपल हम आपको और ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, से हमने कहा 2x+y, ठीक है, इंटू a-7b का होल क्यूब, ठीक है। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है कि हमें इसको ट्री स्ट्रक्चर में शो करना है, ठीक है। तो अब ट्री स्ट्रक्चर में शो करने के लिए इसको हम किस तरह शो करेंगे, इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा ट्री स्ट्रक्चर बनाने से पहले, कि एक्सपोनेंशियल, ये जो जैसे पावर 3 है ना, तो एक्सपोनेंशियल के लिए, एक्सपोनेंशिएशन के लिए हम एरो साइन यूज करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एस्टेरिस्क साइन यूज करते हैं, ठीक। तो जब आप इसका ट्री स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखिए इस तरह बनेगा। पहले आप देखिए ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन आपस में, यहाँ पे इनटू है ना, तो सबसे पहले आप रूट रूट नोट लीजिए, ये आपने एस्टरिस्क साइन किया। अब इधर मान लीजिए 2x+y बनाएंगे, इधर मान लीजिए a-7b का क्यूब बनाएंगे, ठीक। अब 2x+y बनाने के लिए प्लस का साइन बीच में है, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए प्लस, ठीक। अब इधर 2x बनाइए, इधर y बनाइए, तो y के साथ तो कुछ नहीं, यहाँ तो आप y लिख दीजिए, और 2x में 2 × x है, तो ये इंटू साइन बनाइए, और फिर यहाँ पे ये 2 हो गया, ये x हो गया, तो 2 × x 2x और प्लस y, 2x+y टर्म इधर आ गई लेफ्ट साइड में, इसका इंटू हो गया किससे, अब यहाँ बनाना है हमको a-7b का क्यूब। तो सबसे पहले आप पावर का बनाइए, तो हमने बना लिया एक्सपोनेंशियल का साइन, ठीक। अब कितनी पावर है, 3, ये कर दिया हमने, और किस पे है, a-7b पे, तो पहले माइनस किया हमने, यहाँ लिया a, और 7b कैसे बनेगा, तो यहाँ पे फिर इंटू साइन लीजिए,
और इधर सेवन, और इधर हो गया आपका बी, तो सेवन इंटू बी सेवन बी, फिर ए माइनस सेवन बी यहाँ पे आ गया, और ए माइनस सेवन बी की पावर 3 ये आ गया। तो इस एक्सप्रेशन का जो ट्री स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह बन जाएगा। और ट्री स्ट्रक्चर से लेवल स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो अभी जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में बनाया था वैसे ही बना लीजिएगा, एकदम सेम प्रोसीजर है, तो इसलिए हम उसको दोबारा से एक्सप्लेन करके टाइम नहीं वेस्ट कर रहे। ठीक, अब देखिए जो एलिमेंट्री डाटा स्ट्रक्चर थे, डाटा ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर थे, वो हमने आपको बता दिए कौन कौन से। हम लोग एरे का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके कि एरे क्या होती है, सेकंड हम लोगों ने लिंक्ड लिस्ट पढ़ चुके, ठीक, और आज हम लोगों ने पढ़ा है ट्री। ठीक, तो इन डाटा स्ट्रक्चर के अलावा, ठीक है, दीज आर डाटा स्ट्रक्चर अदर देन एरेज, लिंक्ड लिस्ट एंड ट्रीज विच आर ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट। तो एरे, लिंक्ड लिस्ट और ट्री के अलावा भी कुछ डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे एक होता है आपका स्टैक। ठीक है, स्टैक में आपको पता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे अच्छी एग्जाम्पल आप ये समझ लीजिए, जैसे आप अपनी टेबल पे बुक्स रखते हैं, तो सबसे पहले वाली जो बुक रखते हैं अगर उसको तो निकालना होगा, सबसे लास्ट में निकलेगी ना, तो एक डाटा स्ट्रक्चर हो गया स्टैक। दूसरा हो गया क्यू, जैसे आप लाइन लाइन लगती है, तो क्यू में क्या कौन सा, ये तो हो गया आपका किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक, क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये फीफो पे काम करता है, क्योंकि क्यू में या लाइन में जो पहले लगता है वही पहले आउट भी होता है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया। ठीक, और स्टैक और क्यू के अलावा, स्टैक और क्यू के अलावा हो गया आपका ग्राफ। ठीक है, ग्राफ, ग्राफ में क्या होता है कि डेटा समटाइम्स कंटेन ए रिलेशनशिप बिटवीन पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स विच इज नॉट नेसेसरी हायरार्किकल इन नेचर। मतलब कुछ डेटा स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो अगर हायरार्किकल होगा तो आप क्या करेंगे, तो आप चुपचाप उसको जो है उसमें है ट्री में बना देंगे, लेकिन अगर डेटाज में आपस में हायरार्किकल रिलेशनशिप नहीं है तो उनको ड्रॉ करने के लिए फिर आप ग्राफ का यूज करेंगे। तो देखिए जो बेसिक टाइप के डेटा स्ट्रक्चर थे, एरे, लिंक्ड लिस्ट, ट्री, स्टैक क्या होता है, स्टैक जैसे मैंने बताया ना, फर्स्ट चीज, जैसे आप बुक्स रखते हैं तो मान लीजिए पहली किताब ही रखाएगी, उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, ऐसे रखी हुई है टेबल पे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो किताब आपने लास्ट में रखी है वही पहले निकलेगी, तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट पे होता है। क्यूज में, क्यू में क्या होता है आपको मालूम है, जो पहले लाइन में लगता है वही पहले निकलता है, तो ये फीफो हो गया। और ग्राफ में जिन डाटाज में आपस में हायरार्किकल स्ट्रक्चर रिलेशनशिप नहीं होती है उनको हम ग्राफ स्ट्रक्चर से दिखाते हैं। तो ये जो आपको पांच छह तरह के बेसिक डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा बता दिए हैं आपको, आगे हम लोग कमिंग लेक्चर्स में, कमिंग वीडियोज में इन्हीं को डीप डिटेल में पढ़ेंगे भी और इन पे बेस्ड प्रॉब्लम भी करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो इसको अभी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि एक बार जब हम लोग डीप डिटेल में जाना शुरू कर देंगे तो बेसिक को अगर नहीं क्लियर रहेगा तो फिर आपको समझने में मुश्किल होगी, और अगर बेसिक क्लियर रहेगा तो आपको समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए। थैंक यू।